गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी की भोपाल से 1,814 करोड़ का ड्रग्स पकड़े जाने में सफलता हासिल की है। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ड्रग्स माफिया के साथ भाजपा नेता की मिलीभगत है, वरना सरकार की नाक के नीचे ड्रग्स का धंधा कैसे चल सकता था। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। मध्य प्रदेश पुलिस, गुजरात एटीएस और एनसीबी द्वारा चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन की सफलता से कांग्रेस के नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस को पता तक नहीं चला और नशा बनाने वाला बड़ा कारखाना भोपाल में चलता रहा। गुजरात एटीएस और एनसीबी के संयुक्त ऑपरेशन में इस नशा फैक्ट्री में 1,814 करोड़ का ड्रग्स पकड़े गए। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने ड्रग्स तस्कर हरीश अंजाना के साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के फोटो जारी किए और कहा, प्रदेश ही नहीं देश के लिए बड़ी घातक स्थिति है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री, मंत्री, शासन प्रशासन और सरकार की खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे ड्रग्स फैक्ट्री चलती रही, किसी को इसका पता भी नहीं रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि जितने बड़े ड्रग्स के कारोबार ने प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है, ये प्रदेश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। जीतू पटवारी ने कहा है कि ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं पकड़ा, बल्कि गुजरात पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की टीम ने पकड़ा है। जो भोपाल की वस्तु स्थिति रखी गई, लगभग 1900 करोड़ रुपए का ड्रग्स का कारोबार पकड़ा गया। सवाल यह है कि कारोबार पकड़ा गया, पर उससे बड़ी बात यह हुई कि यह मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं पकड़ा, ये गुजरात पुलिस ने पकड़ा। और साथ साथ जो इससे संबंधित एनसीबी केंद्र की नारकोटिक विभाग के अगेंस्ट काम करने वाली जो संस्था है उसने पकड़ा। एक महीने से अखबार की खबर एक महीने की है, पर हमारी जानकारी दो महीने की, पिछले दो महीने से ये एजेंसियां यहां पर काम कर रही थी, अलग अलग तरीके से कर रही, पर मध्य प्रदेश पुलिस और यहां के कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसमें सहभागी नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि उनकी मिलीभगत थी, इसलिए कि वो साथ होते हैं तो ये पकड़े नहीं जाते। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस और जीतू पटवारी ने प्रदेश पुलिस का मनोबल तोड़ने एवं प्रदेश को बदनाम करने का काम किया है। इंटेलिजेंस क्या जीतू पटवारी से पूछकर काम करेगी? झूठ परोसने की सीमा होती है कांग्रेसियों। जीतू पटवारी को पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस किसी को बताकर कार्यवाही नहीं करती। जीतू पटवारी प्रदेश की पुलिस की कार्यवाही को लेकर झूठ का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, आप ये झूठ और छल कपट की राजनीति करके मध्य प्रदेश के पुलिस का मनोबल तोड़ना चाहते हैं? आप देश के अंदर, मध्य प्रदेश में आप सत्ता में नहीं हो, इसलिए मध्य प्रदेश बदनाम हो, केवल यही आपका षड्यंत्र है? किसने आपको कहा कि गुजरात पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को नहीं बताया? किसने कहा? या मध्य प्रदेश की पुलिस ने आपको कहा कि हमें गुजरात की पुलिस ने नहीं बताया? ये इंटेलिजेंस अपना काम करता है, ये जीतू पटवारी से पूछ के काम नहीं करेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।